ये यही जगह है मुंबई में जहाँ पे आप रुक सकते हो कम पैसे में, और यहाँ पे एक होटल नहीं बहुत सारे अनगिनत होटल हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुंबई के अंदर में सबसे कम पैसे में कैसे रहा जा सकता है, बहुत दिनों के बाद, बहुत डिमांड आने के बाद ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। आपको मुंबई में वो प्लेस मैं दिखाऊँगा, वो जगह दिखाऊँगा, वो पूरी मंडी है, पूरी मंडली है, एक तरह से मंडी बोल सकते हैं, सब्जी मंडी जैसे होता है ना, उसी तरीके से गेस्ट हाउस की मंडी बोल सकते हैं। वहाँ पे 100 रुपया से 100 रुपीज़ से रूम शुरू होता है, 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया 250 रुपया, और ऊपर चले जाइए, आपका जो भी बजट है, कोई लिमिटेशन नहीं है मैक्सिमम का, ठीक है। लेकिन मिनिमम अगर आप 100-150 रुपये में भी मुंबई जैसे शहर में आप रह सकते हैं। जब भी आप GCC जाते हो दूसरे कंट्री काम कराने के लिए, तो सबसे बड़ी चैलेंजिंग होती है मुंबई में रहना। मुंबई में किसी घर को अफोर्ड करना बहुत एक्सपेंसिव होता है, कोई भाड़े पे या किराए पे एक फ्लैट लेना एक आम स्ट्रगलर के लिए पॉसिबल कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है, जिसके कारण से बहुत सारे लोग छूट जाते हैं और मुंबई जा ही नहीं पाते हैं, और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी वैकेंसीज़ नहीं मिलती है। या आप ऐसे भी घूमने के लिए जा रहे हो, या आपको 10 दिन 15 दिन प्लान है, किसी डॉक्टर के यहाँ जाना है, किसी भी तरह का कोई काम है, तो मुंबई में मैं जगह बताने जा रहा हूँ, मैं आपको ले जाकर उस जगह को लाइव दिखाऊँगा, बिल्कुल लाइव दिखाऊँगा। वो पूरा मंडली है, पूरा मंडी है, वहाँ पे आप जाएंगे, किसी से पूछेंगे भाई गेस्ट हाउस, जिधर भी नज़र आप दौड़ाएंगे गेस्ट हाउस ही मिलेगा आपको, लॉज ही मिलेंगे। 150 रुपया में आपको जो नॉर्मल वार्ड है, उसके बाद 200 रुपया में मैं जो गया हूँ जिस होटल के अंदर में मैंने बात किया हूँ, 200 रुपया में एयर कंडीशन बेड सिस्टम होता है, वहाँ पे बेड मिल जाता है 200 रुपये में, फुल्ली एसी लगा हुआ है, लैट्रिन बाथरूम की फुल व्यवस्था होती है, पूरा अरेंजमेंट होता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी रहती है, CCTV कैमरेज लगे रहते हैं हर जगह जगह पे, तो ये बिल्कुल आपके लिए सही होने वाला है। बस इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, बहुत डिमांड आ रहा था दोस्तों आपके डिमांड के ऊपर में। देखो, डिमांड को पूरा करना कोई इम्पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस जगह पे जाना, ट्रेवल करना, उस जगह पर जाना, वीडियो शूट करना, फिर आपको हर चीज़ को दिखाना, एड्रेस को प्रोवाइड करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। तो मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने बोला था एक वीडियो में कि मैं आपको दिखाऊंगा मुंबई में चल के, तो चलिए देखते हैं। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फ़ायदा पहुँचे इस वीडियो को देख करके, उन्हें भी फ़ायदा मिलना चाहिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन यही है दोस्तों। तो आइए चलते हैं उस जगह पे, आपको बताते हैं। और हाँ, इस वीडियो में उस जगह का, उस लॉज का, उस होटल का मैं फुल एड्रेस भी प्रोवाइड करूँगा, उसका जो विजिटिंग कार्ड है उस विजिटिंग कार्ड को भी मैं प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप आसानी से उस जगह पे पहुँच जाएंगे। सारी लोकेशन सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा, बस थोड़ा संयम से, छोटी वीडियो है, इसको देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मुंबई में मैं कहाँ पर जाकर रहूँगा। दोस्तों आइए चलते हैं। ये है मुंबई का सबसे फेमस जगह भिंडी बाज़ार। भिंडी बाज़ार में आपको शालीमार रेस्टोरेंट के पास आना है, जो कि सामने दिख रहा है, बहुत ही फेमस है। बच्चा बता देगा आपको, कोई भी बता देगा, कोई टैक्सी वाला, ऑटो वाला, बस वाला, कोई भी आदमी वहाँ उतरकर शालीमार रेस्टोरेंट पे जब आप उतरेंगे, सामने देखेंगे सभी बिल्डिंग में गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, होटल, हॉस्टल, लॉज, इस तरह की सारी व्यवस्था बनी हुई है। आप बिना किसी परेशानी के आप किसी भी अपने बजट के हिसाब से 2-3 जगह विजिट करें, 4 जगह विजिट करें, जहां भी आपको कंफर्टेबल लगता है वहां पे आप स्टे कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ये है मुंबई का भिंडी बाज़ार, बहुत ही फेमस जगह है। ये जगह किसी से पूछेंगे, कोई टैक्सी वाला, ऑटो वाला, बस वाला लाकर आपको छोड़ देगा। वहाँ पर क्या पूछना है, शालीमार रेस्टोरेंट के पास जाना है। शालीमार रेस्टोरेंट के ठीक सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो में, ये ऊपर में जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं सभी रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है, लॉज है, नीचे में दुकानें हैं। वहाँ पर पहुँचकर अपने हिसाब से, अपने बजट से आप ले सकते हैं। विजिटिंग कार्ड भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ की फुल एड्रेस रहेगी। यही वो जगह है जहाँ पर आप रुक सकते हो, और एक दो नहीं बहुत सारे होटल्स हैं,
बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं और आप रुक सकते हो बिल्कुल कम पैसे में। कम पैसा बोले तो मैं एक होटल में गया था अभी, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपये में एसी बेड है वहाँ पे। मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा आपको, अपने वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा कि मुंबई में कहाँ पर आप स्टेबल रुक सकते हो।